यूपी टीवी न्यूज पर फर्रुखाबाद से बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। देर न करते हुए पहली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र से है, जहां फर्रुखाबाद में विद्युत उपकेंद्र में लगे ट्रांसफार्मर से 12 ड्रम तेल चोरी हो गया है। तेल चोरी होने से 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों की बिजली हुई गुल। एसडीओ ने उपकेंद्र पर रात्रि ड्यूटी में तैनात एसएसओ, हेल्पर व एक अज्ञात सहित 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पूरा मामला थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के जसमई का बताया जा रहा है, जहां विद्युत उपकेंद्र में लगे ट्रांसफार्मर से 12 ड्रम तेल चोरी कर लिया गया है। आपको बता दें, तेल चोरी होने से 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों की बिजली हुई गुल और एसडीओ ने उपकेंद्र पर रात्रि ड्यूटी में तैनात एसएसओ, हेल्पर और एक अज्ञात सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देर न करते हुए अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ से है, जहां फतेहगढ़ में जेएनबी रोड पर लगातार गरज रहा है बाबा का बुलडोजर। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 4 घंटे में ही जेएनबी रोड का ज़्यादातर अतिक्रमण साफ कर दिया गया। जेएनबी रोड पर लगभग 15 दिन पूर्व पैमाइश कर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद अतिक्रमण अभियान की जद में आने वाले भवनों को लोगों ने अपने हाथ से ही तोड़ दिया और जो नहीं तोड़ पाए उसको जेसीबी ने नेस्तो नाबूद कर दिया। अतिक्रमण अभियान की जद में आने पर सपा नेता सुबोध यादव ने खुद ही अपना अतिक्रमण तोड़वाया है। और वहीं आपको बता दें, नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक समान रूप से हुई कार्यवाही के चलते कोई बड़ा विरोध भी नहीं हो पाया है। एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के आवास की गगनचुंबी इमारत के अतिक्रमण को हटाने के लिए दोबारा समय दिया जाना जेएनबी रोड पर चर्चा का विषय बना रहा। आपको बता दें, नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के कड़े नेतृत्व के कारण फर्रुखाबाद जिलों में अतिक्रमण अभियान के चलते कोई बड़ा विरोध उनके सामने नहीं हो पा रहा है। अब तीसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां यूपी टीवी न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। चैनल पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी है। ग्राम ग्लारपुर में 2-3 दिन पूर्व तालाब में तड़प तड़प कर गोवंश की हुई थी मौत, नहीं ली थी किसी ने सुध। इस खबर को इस चैनल ने प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद मामले पर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने संज्ञान लिया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर तालाब से मृत गोवंश निकालने के दिए थे निर्देश। डीएम के निर्देश पर तहसीलदार अमृतपुर, नायब तहसीलदार थाना अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में देर रात्रि जेसीबी से मृत गोवंश को निकाला गया तालाब से। उसके बाद अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में मृतक गोवंश को जेसीबी की सहायता से दफना कर ली राहत की सांस। पूरा मामला ब्लॉक राजेपुर क्षेत्र के गांव ग्लारपुर का बताया जा रहा है। अब चौथी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर एसओजी व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस ने छापेमारी कर 8 अभियुक्तों को दबोच लिया है। अभियुक्तों के पास से 6 अवैध शस्त्र लाइसेंस बनाने वाली मोहरें व अवैध शस्त्र लाइसेंस की किताबें बरामद हुई हैं। अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर की राइफल, 4 सिंगल बैरल व 1 डबल बैरल, 12 बोर बंदूक व 28 जिंदा कारतूस, 12 बोर एवं 1 तमंचा, 315 बोर का बरामद हुआ है। अभियुक्तों ने बताया कि वह फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाकर सस्ते दामों में लोगों को बेचते थे। अभियुक्तों के अनुसार फर्जी शस्त्र लाइसेंस के द्वारा फैक्ट्री मेड हथियारों को खरीद कर फर्जी तरीके से कर देते थे रिन्यूवल। ये सोजी व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस के द्वारा पखना मोड़ पर रेलवे अंडरपास व ग्राम बनकटी वाले रास्ते पर बने प्रतीक्षालय से अभियुक्तों को ये सोजी टीम व पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने किया है, जहां एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में असलहे भी बरामद हुए हैं और फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाकर 5,000 रुपये में ये बेच देते थे। अभियुक्तों के पास से 315 बोर की राइफल, 4 सिंगल बैरल, 1 डबल बैरल, 12 बोर बंदूक, 28 जिंदा कारतूस
12 बोर एवं एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है। अब पांचवी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर फरुखाबाद से है, जहां फरुखाबाद में इन दिनों अतिक्रमण अभियान जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। आपको बता दें, फरुखाबाद के जेएनबी रोड पर अतिक्रमण अभियान में जेएनबी रोड की खूबसूरत बिल्डिंगों को लगा बुलडोजर का दाग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक खूबसूरत बिल्डिंग फरुखाबाद के जेएनबी रोड पर स्थित थी, जहां अतिक्रमण अभियान के तहत अतिक्रमण में के जद में आने वाली बिल्डिंगों को बुलडोजर का दाग लग गया है। एक से एक बढ़कर खूबसूरत और सुंदर बिल्डिंग को आगे का हिस्सा मलबे में तब्दील कर दिया गया है। अतिक्रमण अभियान चलने के बाद कई बिल्डिंगें अतिक्रमण की जद में आ रही थीं, जिसके बाद चिन्हांकन करके उन बिल्डिंगों को तोड़ा है। जिला प्रशासन ने उन बिल्डिंगों को तोड़वा दिया है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देर न करते हुए छठी और आखिरी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र से है, जहां टॉप 10 अपराधियों पर कार्रवाई न होने पर एसपी ने थाना प्रभारी को लगाई जमकर फटकार। देर रात एसपी अशोक कुमार मीणा ने थाने का किया औचक निरीक्षण और थाने का निरीक्षण के दौरान एसपी ने अभिलेख चेक कर माल खाने का रखरखाव भी देखा। टॉप 10 अपराधियों पर कार्रवाई न किए जाने पर एसपी ने थाना प्रभारी अमरपाल की जमकर लगाई क्लास। टॉप 10 अपराधियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किए जाने के एसपी ने बीते दिनों दिए थे निर्देश। थाने में अभिलेख पूरे न देख एसपी ने नाराजगी जाहिर कर अभिलेख सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही फरुखाबाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पूरा मामला थाना कमालगंज का है, जहां देर रात फरुखाबाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने फरुखाबाद के थाना कमालगंज का औचक निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई है। किया गया आपकी तरफ से? ये कमालगंज थाने का जो औचक निरीक्षण है, इसमें यहाँ पर हमारे किए गए और इसके अंदर जो चीज़ें अपडेट करनी उसके बारे में बताया गया है। और जितने भी टॉप 10 अपराधी हैं, हमारे सभी अपराधी रेंजर्स हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जो शासन के हैं, इसी क्रम में उनको दिशा निर्देशित किया गया। काफ़ी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और जो बाकी उनके खिलाफ भी जल्दी कार्रवाई की जाए।